हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर टुडे वी विल डिस्कस न्यूज़पेपर एनालिसिस डेटेड फिफ्टी ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस एनालिसिस हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की पी चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू दैट टॉपिक तो आप उसको बाई कर सकते हो और आपको ये कॉस्ट करेगा हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है दैन यू हैव टू चेंज योर प्रोवेसी सेटिंग्स सो दै आई कैन एड यू टू द ग्रुप उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है प्रवेशी एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमी टू द ग्रूप चर्ज वहाँ पर आपको एवरी बॉडी चूज करना है यू कैन पे वाई आई यू पी आई टू द मैंशन यू पी आई आई डी देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आई डी टू द मैंशनड जी मेल अकाउंट नेक्स्ट है करंट अफेयर्स मैंटरशिप प्रोग्राम तो करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको करंट अफेयर्स कॉम्प्रहेंसिवली कवर कराए जाएंगे प्लस जो स्टैटिक पोर्शन है रिलेटेड टू एवरी करंट अफेयर उसको डिस्कस किया जाएगा करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जाएगा जो भी सोर्सेस यूपीएससी के लिए रेलिवेंट हैं उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे डेली आपको पी प्रोवाइड की जाएगी डेली आपको क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो और मैं भी आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करूंगी स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स विल आल्सो बी कवर्ड इन डिटेल और ये जो सीरीज़ है ये आपके प्रलिम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी और मेंस के लिए भी यूज़फुल रहेगी और इसका प्राइस है टू थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाई आई यू पी आई टू द मैंशनड यू पी आई आई डी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम ई मेल आई डी मोबाइल नंबर और टेलीग्राम आई डी एंड प्रूफ ऑ ऑफ़ पेमेंट टू द मैंशनड जी मेल अकाउंट एंड देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको लिंक्स मिलेंगे फॉर द वीडियोज़ अब हम आज के न्यूज़पेपर एनालिस करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट है हाईकोर्ट एक्विड्स जेल्ड साई बाबा तो यहाँ पर यू ए पी ए के एक प्रोविजन को डिस्कस किया गया है बेसिकली एक सेक्शन को डिस्कस किया गया है जो कि हम एक्सप्लेन पेज पर देखेंगे नेक्स्ट हम चलते हैं आगे रेट हाइक वन आर बी आई पैनल मेम्बर सेज टाइम टू पॉज एन अदर वॉन्ट्स टू गो स्लो तो जो इन्फ्लेशन है वो टू से सिक्स परसेंट के काफ़ी बाहर चल रहा है हमेशा यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है लास्ट थ्री क्वार्टर से वो यहाँ पर सिक्स परसेंट के ऊपर ही है अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ को भी देखना है और इन्फ्लेशन को भी टैकल करना है तो जो मॉन्ट्री पॉलिसी कमेटी के छः मेंबर्स हैं उसमें से एक आरबीआई पैनल मेंबर का ये कहना है कि ये टाइम आ चुका है कि ज़्यादा रेट हाइक नहीं किया जाए और यहाँ पर पॉज कर दिया जाए दूसरे मेंबर का ये कहना है कि हम यहाँ पर मॉन्श्री पॉलिसी टाइटनिंग तो करें लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो स्लो होना चाहिए तो एज पॉलिसी मेकरस डिस्कस द ग्रोथ वर्सेज इन्फ्लेशन ऑफ विद मैनी

दिस वॉज द फोर्थ हाइक बाई द आरबीआईन क्योंकि अपर थ्रेश होल्ड से ज्यादा ही चल रहा है कमिटी है जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसको टारगेट में लाया जा सके नेक्स्ट है आई एन एस अरिहंत सक्सेसफुली फायर एस एल बी एम सबमरीन लॉन्च बेलिस्टिक मिसाइल वेरी हाई एक्सी गवर्नमेंट द केपेबिलिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स फ्राम सब मरीन हैज़ ग्रेट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमें न्यूक्लियर ट्राइट को अचीव करना है इसका मतलब यह है कि हम न्यूक्लियर वेपन के डिलीवरी कर सकें फ्रॉम लैंड एयर एंड सी और इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी स्ट्राटजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सब मरीन आई एन एस अरिहंत कैरियड आउट अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ ए सब मरीन लॉन्च बेलिस्टिक मिसाइल और बेसिकली हमारा एम ये है कि हमें क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस चाहिए और बाकी हमारी नो फर्स्ट यूज़ का कमिटमेंट तो अभी भी है तो आपको आई एन एस अरिहंत के बारे में पता होना चाहिए तो वो यहाँ पर मैंशनड है कमीशन इन ट्वेंटी सिक्सटीन आई एन एस अरिहंत इज़ इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर्ड बेलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एस एस बी एन क्या है तो एस एस बी एन क्लासिफिकेशन सिम्बल है फॉर न्यूक्लियर पावर्ड बेलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीनज एस एस बी एन है ये आते हैं इंडिया की के स्ट्रैटिक फोर्सेज कमांड के परव्यू में लॉन्च इन टू थाउजेंड नाइन आई एन एस अरिहन वॉस कमिशन इन ट्वेंटी सिक्सटीन एंड द नेक्स्ट इन द क्लासेस आई एन एस अरीघात जो कि लॉन्च हुई थी दो हजार सत्रह में अभी इसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं अब हम चलते हैं आगे स्टेलमेंट कंटिन्यूज एस पंजाब सी एम से नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू शेयर तो यहाँ पर सतलज यमुना लिंक की बात की गई है द पंजाब एंड हरियाणा चीफ मिनिस्टर्स फेल टू रीच अ कंसेंसस ओवर द सतलज यमुना लिंक कैनाल इशू फ्राइडे और यहाँ पर पंजाब का कहना है कि इनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है कि ये यह यहाँ पर शेयर कर सकें तो हरियाणा सॉट कंस्ट्रक्शन ऑन इनकम्प्लीट सतलज यमुना कैनाल वी टोल दैम दैट वैन वी डू नॉट हैव एनी वाटर वाई शुड द कैनाल बी कंस्ट्रक्टेड तो ये बस आपको इशू पता होना चाहिए अब हम चलते हैं आगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का ऐसा कहना है टू सुप्रीम कोर्ट द सेंटर ऑन फ्राइडे टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट द प्रोसीजर फॉर फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज अंडर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ट्वेंटी एटीन ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है एंड दैट इट इज नाउ इम्पॉसिबल टू गेट एनी मनी इन ब्लैक और एनी अनअकाउंटेड फॉर्म मेहता सेट दिस एज सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कंटेंटेड कि जो फ्री और फेयर इलेक्शन जो कि एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का इट इज़ नॉट नोन हु इज फंडिंग पार्टीज और ये डिस्ट्रक्टिव है फ्री और फेयर इलेक्शंस को ये वॉलेट करता है अब यहाँ पर जो प्रशांत भूषण है जो कि एडवोकेट है उन्होंने कहा है जो पटिशन है वो यहाँ पर थ्री इंपॉर्टेंट इंटरकनेक्टेड इश्यूज की बात करती है पहला ये द क्वेश्चन ऑफ़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स दूसरा ये क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ आरटीआई के एम्बिट में आती हैं वेदर पॉलिटिकल पार्टीज कम अंडर द आरटीआई और थर्ड ये है जो एफ में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स किए हैं उसके बारे में एंड अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स टू द एफ जो कि ये कहता है अगर फॉरेन कंपनीज की सब्सिडरीज हैं तो उनको फॉरेन सोर्स ट्रीट नहीं किया जाएगा और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पब्लिक सर्वेंट्स को डोनेशन दे सकती हैं तो अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स टू द एफ सी आर विच सेज दैट सब्सिडरीज ऑफ फॉरन कंपनीज विल नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरन सोर्स और वो यहाँ पर डोनेशन कर सकती हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक सर्वेंट्स एटसट्रा और यहाँ पर बिगर क्वेश्चन ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं क्या इनको मनी बिल के थ्रू लाया जा सकता है क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर तो होती नहीं है एंड द क्वेश्चन इन ऑल दिस केसेस इज वेदर अमेंडमेंट्स कैन बी मेड थ्रू अ मनी बिल विच डू नॉट इवन गो टू द राज्यसभा फॉर अप्रूवल द टॉप कोर्ट हैड क्वेश्चन क्लेम्स रिगार्डिंग कंप्लीट इनोनिमिटी और यहाँ पर टॉप कोर्ट का बेसिकली ये कहना है कि आप जो यहाँ पर एनोनिमिटी की बात करो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एनोनिमिटी है क्योंकि पटिशनर्स का यही कहना है इट इज नॉट एज दो द ऑपरेशन अंडर द स्कीम आर बिहाइंड आर इनकर्टिस्स और ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मिल सकती है अब हम चलते हैं आगे इंडिया चाइना एग्री टू रिजॉल्व रिमेनिंग एल ए सी इशूज सून तो यहाँ पर डिसंगेजमेंट हुआ था लास्ट मंथ गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर तो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स की आपको लोकेशन देखनी है मैप में अब हम चलते हैं आगे एन जी टी स्लैप्स रुपीज़ फाइव हंड्रेड करोड़ फाइन ऑन कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू प्रोटेक्ट बेंगलुरु लेक और यहाँ पर जो नाम है वो है चंदापुरा लेक तो चंदापुरा लेक कहाँ पर लोकेटेड है और बाकी आपको एन जी टी के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए तो अगर आप पी डी एफ बाई करोगे आपको उसमें ये सारा स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा लेकिन अगर आप नहीं बाय कर रहे हो तो आपको खुद से पढ़ना है यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट है पीपल शुड फील रिस्पॉन्सिबल नॉट लाइक फ्री राइडर्स इन इंडिया जर्नी ऑफ प्रोग्रेस तो यहाँ पर एक फंड की बात की गई है आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड अब इस फंड को क्यों बनाया गया है यह है ट्राई सर्विस फंड विच इज यूटिलाइज फॉर ग्रांट ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स सेलर्स एयरमैन हु ले डाउन देयर लाइफ और गेट ग्रीवियसली इंजर्ड इन एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फॉर द सोल्जर्स किल्ड और डिसेबल्ड ड्यूरिंग एक्टिव कॉम्बेट ऑपरेशन लेकिन स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटीमेंट है एंड रिक्वेस्ट फ्राम सिटीजनस कॉरपोरेट हेड्स बैंक एंड इंडस्ट्री कैप्टन की वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं टू द कॉज ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोल्जर्स एंड दर फैमिलीज और ये वेबसाइट जो है ये इनेबल करेगी यहाँ पर डायरेक्टली आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं द वेबसाइट विल इनेबल पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूट ऑनलाइन डायरेक्टली टू द फंड और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशन का जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके गुडविल एम्बेसडर हैं एक्टर अमिताभ बच्चन तो ये फंड आपको पता होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड अब हम चलते हैं आगे जी एस एल वी मार्क थ्री टू मे कमर्शियल फोर ए बाई लॉन्चिंग थर्टी सिक्स सेटेलाइट तो यहाँ पर लॉन्च करेगा ये वन वेब की सेटेलाइट को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैवियस्ट रॉकट जी एस एल वी मार्क थ्री इस सेट टू लॉन्च थर्टी सिक्स सेटेलाइट्स ऑफ द वन वेब कम्युनिकेशन कॉन्स्टलेशन फ्राम द कंट्रीज ओनली स्पेस पोर्ट एट श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश तो जी एस एल वी मार्क थ्री और बाकी आपको पता होना चाहिए वन वेब तो वन वेब यहाँ पर है भारती का भारती ग्रो बैक्ट वन वेब इज द कॉन्स्टेशन ऑफ सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट और बेसिकली ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि उनको ब्रॉडबैंड सर्विसज को प्रोवाइड करना है यहाँ पर एन एस आई एल के बारे में मैंशन है तो आपको एन एस आई एल पता होना चाहिए The government opened up the space sector for private players in 2020. और बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट का यह था कि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो स्पेस में इंक्रीज होना चाहिए प्रोमोटिंग न्यू एक्टिविटीज़ बाई एग्जिस्टिंग इसरो कोलेबोरेटर्स एंड एनकरेजिंग स्टार्टअप दैट ऑफर फुल गैमट ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम लॉन्च सर्विसेज और इससे क्या होगा जो रूटीन स्पेस सर्विसेज होगा वो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स कर लेंगे और बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट काम होगा फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक मिशन उसके ऊपर इसरो फोकस करेगा तो यहाँ पर जो रूटीन के काम है वो प्राइवेट सेक्टर कर लेगा और जो यहाँ पर मेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिफिक मिशन से रिलेटेड काम है उसके ऊपर इसरो यहाँ पर फोकस कर सकते हैं सकता है इंडिया करेंटली हैज थ्री ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स पी एस एल वी जी एस एल वी जी एस एल वी मार्क थ्री और इसरो ने एक स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाई थी जिसकी फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट पार्शियली सक्सेसफुल थी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं थी पार्शियली सक्सेसफुल थी यहाँ पर एन एस आई एल मैंशन है तो एन एस आई एल को दो हजार उन्नीस में बनाया गया था और यह सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो कि आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और यह है कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो अब अंतरिक्ष है वो भी कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो है और ये भी कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो है तो डिफरेंस क्या है तो बेसिक डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल जो अंतरिक्ष है वो इसरो के कमर्शियल डील्स को हैंडल करती है विद विदिन कस्टमर्स लेकिन जो एन एस आई एल वो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द लोकल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करती है SEO rats? तो राइट्स किसका है एस सी ओ के अंतर्गत है तो रेट्स है क्या रीजनल एंटी टेरिज्म स्ट्रक्चर तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एस सी ओ के अंतर्गत है शांई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर ऑफ द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्राइडे डिसाइडेड ऑन ज्वाइंट मेजेज बाई मेबर कंट्रीज जो भी यहाँ पर थ्रेड्स पोज हो रहे हैं बाई इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप जो कि ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान तो राइट्स एस सी ओ का है नेक्स्ट यहाँ पर सरोगेसी के बारे में बताया गया है तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 कमर्शियल सरोगेसी को बैन करता है और सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ही अब परमिटेड है ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी बेसिकली जिसमें यहाँ पर कोई मॉन्ट्री मनी इसके अलावा रिवॉर्ड यहाँ पर इंक्लूड ना हो ना कि कैश ना कि काइंड सिर्फ यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस हो और इंश्योरेंस कवरेज हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बाकी यहाँ पर कोई भी मॉन्ट्री कॉम्पनसेशन अलाउड नहीं होगा तो वो है ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी जो कमर्शियल सरोगेसी है वो बेसिकली यहाँ पर मॉन्ट्री बेनिफिट के लिए ही की जाती है अब हम चलते हैं आगे ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है लाइक अ टाइट रोप वॉकर लेकिन यहाँ पर जो चाइना में कांग्रेस मीटिंग हो रही है उसके बारे में हम एक्सप्लेन पेज में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे अब हम चलते हैं आगे शिमला ऑगरी ये किस बारे में है तो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं उसके बारे में है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है धक धक विद अ ट्विस्ट अब हम चलते हैं आगे अ कोट फॉर आर टाइम्स इसको हम डिस्कस करेंगे ऑन सेप्टेम्बर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी टू In X vs. the Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of NCT, three judges of the Supreme Court, Justice D.Y. Chandrachur, Justice A.S. Bopanna and Justice J.B. Pardiwala, in an unanimous decision allowed an unmarried woman to wo terminate her pregnancy. नाउ रीडर्स माइट बी अनसरप्राइज टू नो कि यहाँ पर जो यंग मैरिड करेजियस अपीलेंट है मिस एक्स हुज प्रेगनेंट बिकॉज ऑफ ए कंसेंचुअल रिलेशनशिप तो बेसिकली वो यहाँ पर एबॉशन को एक्सेस नहीं करा पा रही थी ड्यू टू स्टैचुटरी ऑब्स्टेकल्स अभी स्टैचुटरी ऑब्स्टेकल्स हैं क्या देवर इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन थ्री टू बी ऑफ द एम टी पी एक्ट एंड रूल थ्री बी सी ऑफ द एम टी पी रूल्स दो हजार तीन एंड द लॉर्डेड हर अनमेरिड स्टेटस जो कि एक एमपेडिमेंट था इन इनेबलिंग हर टू एक्सेस फर्स्ट लेटेस्ट वेट इन टू द लीगल प्रोविजन्स तो सेक्शन थ्री टू बी ऑफ द एम टी पी एक्ट इनेबल करता है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा सकता है बाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अगर यहां पर जो लेंथ है प्रेगनेंसी की वो बीस हफ्ते से कम है अगर बीस से चौबीस हफ्ते में है तो यहां पर दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन की जरूरत होगी और यहां पर सर्टेन कैटेगरी ऑफ वुमेन होंगी वहीं यहां पर अलाउज होगा कि वो यहाँ पर एबॉशन को एक्सेस करा सकती हैं अब यहां पर जो सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन है उसमें कौन कौन सी वुमेन है द कैटेगरीज दैट द रूल अलाउज एक्सेस टू एबॉर्शन आर सर्वाइवर्स ऑफ सेक्शुअल चेंज इन स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप अभी जो रिलेशनशिप है उसके ब्रैकेट में लिखा है Clearly, reading, आप देख सकते हो कि अनमेरिड वुमेन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है इसका मतलब यह है कि जो अनमेरिड वुमन है वो बीस से चौबीस हफ्तों में एक्सेस नहीं करा सकती थी When the 25 year old Miss X reached the Supreme Court after her plea was rejected by the Delhi High Court to तो Delhi High Court ne yahan par ye rule kiya tha ki section 32B of the MTP Act inapplicable hai to unmarried women isliye yahan par ye jo mahila hai ye yahan par abortion access nahi kar sakti hain फिर यहाँ पर कुछ arguments की बात की गई है for example कुछ compelling arguments जो कि दिए गए इंक्लूडिंग दैट मॉडर्न लेजिस्लेशन मस्ट बी रीच इन व्यू ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी और जो टर्मिनोलॉजी है चेंज ऑफ मेरिटल स्टेटस इसमें अनमेरिड और सिंगल वुमेन को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने सोचा और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो जजमेंट दिया है तो पर इंटरप्रिटेशन किया है एम टी पी एक्ट का सिंगल और अनमेरिड वुमेन हु आर तो वैसे भी वो यहाँ पर सोशल स्टिग्मा फेस करती हैं तो सोशल स्टिग्मा दैट वुमेन फेस फॉर इंगेजिंग इन प्री मेरिटल सेक्चुअल रिलेशनशिप और जिसकी वजह से जो उनका राइट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो यहाँ पर वॉयलेट होता है और वो उसको रियलाइज नहीं कर पाती हैं इट स्टेप्स अप टू द चैलेंज बाई लुकिंग एट चेंज सोसाइटल रियालिटीज़ तो आज जो सोसाइटल रियालिटीज़ है वो चेंज हो चुकी हैं लिव इन रिलेशनशिप्स भी होते हैं तो इस बात को यहाँ पर कोर्ट ने समझा है द क्वेश्चन द कोर्ट फ्रेंड वॉज वेदर रूल थ्री बी इंक्लूड्स अनमेरिड वुमेन सिंगल वुमेन एंड वुमेन विदाउट अ पार्टनर अंडर इट्स एमबिट तो कोर्ट का ये है द कोर्ट फेल्ट द आंसर टू दर क्वेश्चन कुड बी अराइव तो हमें यहाँ पर पर इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है टू रूल थ्री बी वॉट सेट्स आर सुप्रीम कोर्ट अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ये है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सोशल रियालिटीज़ को एग्जामिन करता है जो कि चेंज हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल सेक्शन थ्री सेवेंटी सेवन को डीक्रिमिनलाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो साइट्स इट प्रीवियस डिसीजन दैट रिकोगनाइज की मॉडर्न एंड ए टिपिकल फॉर्म ऑफ फैमिलियल रिलेशनशिप्स आज एग्जिट करते हैं फॉर एग्जाम्पल सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड एंड लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं हाउस होल्ड्स फॉम्ड बाई री मैरिजेज विथ चिल्ड्रेन फ्रॉम अर्लियर रिलेशनशिप और सेम सेक्स फैमिलीज़ तो इन सबको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए तो फैमिलियल रिलेशन चेंज हो रहे हैं और इस बात को रिकोगनाइज करने की ज़रूरत है फाइनली द कोर्ट इन मिस एक्स रीजन दट द लेजिस्लेचर हैज़ ऑलवेज इंटेंडेड फॉर मैरिड और अनमेरिड वुमेन की इनको यहाँ पर पार में ट्रीट किया जाए तो दे वुड बी ऑन पार एंड हैव इक्वल स्टेटस थ्रू कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स ऑफ लॉस पॉटेनिंग टू अडोप्शन तो बेसिकली यहाँ पर बीस से चौबीस हफ्ते में जो अनमेरिड वुमेन है वो भी अबॉर्शन को एक्सेस कर सकती है फिर यहाँ पर बात की गई है कि हो सकता है कि वुमेन ने यहाँ पर कंसीव किया हो वुमेन यहाँ पर मैरिड हो लेकिन यहाँ पर जो वुमेन है उसने कंसीव किया हो थ्रू नॉन कंसेंशुअल सेक्स तो जो मेरिटल रेप है उसको एम टी के एम टी पी के एम्बेट में कंसिडर किया जाएगा और वो महिला भी यहाँ पर बीस से चौबीस हफ्ते में एबोर्शन को सीख कर सकती है रमा केबली वाइल्ड द कोर्ट रिव्यूज द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वुमेन हु आर

तो यहां पर यह कहा गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिजिटल इको के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है तो फ्रॉम द ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल टू द प्रोपोज ई कॉमर्स रूल्स टू द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड अदर्स दीज न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क सीक टू रेगुलेट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ डिजिटल इंडिया तो बेसिकली यहां पर गवर्नमेंट को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है कि गवर्नमेंट यहां पर डिजिटल इको के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है दिस अपियर्स टू बी स्ट्रेटिक चॉइस ड्रिवन बाई द डिजायर टू एक्सरसाइज मोर कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल इको सिस्टम फॉर एग्जाम्पल ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल लाया जा रहा है तो बिल यहाँ पर यह कहता है कि ओ टी टी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर एम्बिड में लाया जाएगा और इनको भी यहाँ पर लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी अब गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा तो ऑथर का यह कहना है कि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं क्रिएट होगा बस आप यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इज अ कंपनी ऑफ इंडियन ओरिजन वेद मेजॉरिटी ओनरशिप रेस्ड विदॉरन इन्वेस्टर्स कसिडर टू बी इंडियन वॉट अबाउट अ कंपनी ऑफ इंडियन ओरिजन जो कि यहाँ पर फॉरन प्लेयर ने एक्वायर कर ली है और वन दट रिसीव सिग्निफिकेंट फंडिंग फ्रॉम बिगटेको तो अगर आप इनमें डिफरेंशिएट कर रहे हो जो कि पॉलिसी ऑपरेटर्स इनमें डिफरेंशिएट कर रहा है तो द पॉलिसी अपरेटर्स सीक्स टेंशिएट बिटवीन दम लेकिन ये क्या सेम रूल्स आपके ऊपर अप्लाई नहीं होने चाहिए वाई जो सच लाइन्स ऑफ डिमार्केशन एंड वाई इज़ सच डिमार्केशन लिमिटेड ओनली टू द डिजिटल रियाल्ट अगर आपको ये करना ही है डिमार्केशन तो आप हर सेक्टर में करो फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग में भी ये डिमार्केशन करो तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है कि जो यहाँ पर बिग टेक को रेगुलेट करने की बात की जा रही है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर फ्लैश सेल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है फॉल बैक लाइबिलिटी है फॉर इंस्टेंस और द इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पर वाइब्रेंट इकॉनमी बनाना चाहती है लेकिन गवर्नमेंट की स्टेप्स इस तरफ नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ पर वाइब्रेंट इकॉनमी बनाना चाहती है फॉर एग्जाम्पल डेटा प्रोटेक्शन बिल में बात की गई है कि डेटा लोकलाइजेशन की तो हो सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर नया बिल लेकर आए तो उसमें डो डेटा लोकलाइजेशन का प्रोविजन ना हो लेकिन गवर्नमेंट का ये तो है कि जो भी यहाँ पर डेटा है उसकी एक कॉपी इंडिया में स्टोर की जाएगी नेक्स्ट हम चलते हैं आगे ट्रस्ट सेक्स क्वार तंग स्क्रैप्स टैक्स कट्स इन बिट टू सर्वाइव क्राइसिस तो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि ब्रिटेन में मिनी बजट पेश किया जाता है और उसके बाद जो उनका पाउंड होता है वो क्रैश कर जाता है अब इसके क्या रीज़न्स थे तो बेसिकली इसका रीज़न तो ये था जो कॉरपोरेट टैक्स कट दिए गए थे और उसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जी प्राइजेज हैं उनको फ्रीज़ करने की बात की गई थी और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है जो पाउंड होता है वो क्रैश कर जाता है तो इसके लिए ही जो इनकी प्राइम मिनिस्टर है लिस्ट्रस उन्होंने सैक कर दिया है कॉर्टेंग को और यहाँ पर नए फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया गया है इन बेजिंग सिक्योरिटी अप मिल्स टू कट डाउन ऑपरेशन फॉर क्लीन एयर कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की यहाँ पर ट्वेंटी मीटिंग होने वाली है तो बेसिकली जो हमने आर्टिकल नहीं डिस्कस किया वो इसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल था जो कि बेसिकली ये आर्टिकल था लाइक अ टाई ट्रोफ वॉकर और ये शी जिनपिंग्स पार्टी ये दोनों सेम आर्टिकल हैं और एक्सप्लेन पेज पर भी आया है हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विल टेक द स्टेज ऑन संडे टू केक ऑफ अ हिस्टोरिक कांग्रेस ऑफ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी और यहाँ पर थर्ड टर्म मिलने वाला है शी जिनपिंग को वेयर ही इज पॉइज टू विन अ थर्ड टर्म दैट सॉलिडिफाइज हिज पोजीशन एज चाइनाज मोस्ट पावरफुल रूलर सिंस माउ जिडोंग अभी यहाँ पर चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे हैं आपको पता नहीं चलता होगा क्योंकि चाइना की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं आती है तो चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो शी जिनपिंग की पॉलिसीज़ है फॉर एग्जाम्पल जीरो कोविड केसेस होने चाहिए तो चाइनाज इंटरनेट सेंसस आर आल्सो गोइंग टू ग्रेट लेंथ टू शट डाउन एनी डिस्कशन ऑफ अ रेयर पब्लिक प्रोटेस्ट कंडेमनिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड जनाउंसिंग द कंट्रीज कोविड नाइन्टीन पॉलिसीज़ अभी जो सिचुएशन है चाइना की वो कैसी है तो यहाँ पर शी जिनपिंग है उनकी पॉलिसी ये है जीरो कोविड पॉलिसी बाकी इन्होंने सपोर्ट दिखाया रशिया के व्लादिमिर पुतिन को और यहाँ पर जो चाइना है वो वेस्ट से बहुत ज़्यादा एलिनेट हो चुका है ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड नाइजीरिया सिटी विथ ट्वेंस इन ऑलमोस्ट एवरी फैमिली सेलिब्रेट्स अब यहाँ पर कुछ टाउन्स के नाम हैं तो एक बार देख लेते हैं एक सिटी यहाँ पर इकबो ओरा बाकी आपको नाइजीरिया की लोकेशन देखनी है मैप पर देर इज़ नो प्रूवन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि क्यों यहाँ पर ज़्यादा ट्रेंस का हाई रेट है तो एक वो ओरा और, और यहाँ पर लार्जेस्ट सिटी है नाइजीरिया का लगौस तो ये सब आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है इन साई बाबा इक्विटल की क्वेश्चन ऑफ सेंक्शन अंडर यू ए पी ए सेक्शन फोर्टी फाइव वन ऑफ द यू ए पी ए ये कहता है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता ऑफेंस का जब तक प्रीवियस सेक्शन नहीं आता है ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाई दैम तो जब तक सैक्शन नहीं आता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का तब तक कोर्ट यहाँ पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है ऑफेंस का तो सेक्शन फोर्टी फाइव वन ऑफ द यू ए पी ए सेज नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट विदाउट द प्रीवियस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाई दैम फिर जो सेक्शन फोर्टी फाइव टू है देंक्शन फॉर प्रोजीक्यूशन हैज़ टू बी गिवन विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड टाइम में होना चाहिए और यहाँ पर जो रिपोर्ट है इट मस्ट भी कंसिडर्ड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द अथॉरिटी इज एक्सपेक्टेड टू मेक एन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ द एविडेंस जो कि गैदर किए गए हैं बाई द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और ये रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट यहाँ पर सेंक्शन प्रोवाइड करे या ना करें फिर यहाँ पर 2008 में अमेंडमेंट किया जाता है टू सेक्शन 45 ऑफ द यूएपीए जो कि स्पेसिफाई करता है दैट टू वुड बी गिवन ओनली आफ्टर कंसीडरिंग द इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट तो यहां पर गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटी अपॉइंट की है उसका भी एक इंडिपेंडेंट रिव्यू होगा ये इसीलिए यहां पर किया गया था जिससे एक एडिशनल सेफ को इंश्योर किया जा सके तो सेक्शन फोर्टी फाइव सेक्शन फोर्टी फाइव और उसके बाद दो का अमेंडमेंट ये तीनों आपको पता होना चाहिए तो सेक्शन फोर्टी फाइव ऑफ द यू ये कहता है कि कोर्ट यहाँ पर कांग्रेस

रिकमेंडेशन देने से पहले टू द गवर्मेंट फिर 2008 में अमेंडमेंट किया जाता है टू सेक्शन 45 फाइव ऑफ द यू पी एपेसिफाइड दैटन टू प्रोजीक्यूट वुड बी गिवन ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ एन अथॉरिटी जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है ये यह यहाँ पर एक एडिशनल सेफ गार्ड इंश्योर करने के लिए किया गया था नेक्स्ट है शी द सी सी पी एंड द इंडिया द ट्वेंटी नेशनल कांग्रेस बिगन होने वाली है अक्टूबर सिक्सटीन से तो यहाँ पर जो शी जिनपिंग है उनको मिलने वाला है थर्ड टर्म it appears very likely that Xi Jinping will be approved for a third term as General Secretary. Reconfirmation as President will only happen in March at the National People's Congress. अब ये इतना unusual क्यों है? तो basically इससे पहले यहाँ पर जो President बन सकता था, वो सिर्फ यहाँ पर दो term के लिए बन सकता था, और ये Xi Jinping का तीसरा term होने वाला है, क्योंकि इन्होंने Constitution को change कर दिया. तो former leader Deng Xiaoping had left the legacy that CCP General Secretaries would step down after serving two five-year terms. लेकिन इनको यहाँ पर third term मिलने वाला है. सिंस टेकिंग ओवर एज जनरल सेक्रेटरी इन 2012 इन्होंने दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए हैं पहला ये कि ये चाइना की इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जो चाइना की इकॉनमी है वो मैनुफैक्चरिंग इकॉनमी है और चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है लेकिन ये चाइना की इकॉनमी को टू एल इनोवेशन बेस्ड थाट इकॉनमी की तरफ ले जाना चाहते हैं दूसरी बात जो पी है इसको ये मॉडर्न वॉर फाइटिंग मशीन बनाना चाहते हैं अभी ये दोनों रिफॉर्म्स में थोड़ा टाइम लगने वाला है हाउ हैज़ चाइना डन ओवर द पास्ट डेकेड तो चाइना ग्रो हुआ है स्लो ग्रो हुआ है लेकिन चाइना ग्रो हुआ है शीज एरा मार्क्स अ ब्रेक फ्रॉम डेंग्स अब यहाँ पर डेंग्स योपिंग की इन्होंने पॉलिसी को कैसे चेंज किया तो डेंग्स जियोपिंग ने डिसेंट्रलाइजेशन किया था इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में और यहाँ पर जो शी जिनपिंग है इन्होंने यहाँ पर रीसेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकानमी इन द वर्ल्ड तो यू के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट इकॉमी है वो चाइना की है और यहाँ पर जो चाइना है वो पुश करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स को और फर्स्ट पोजिशन पर आना चाहता है हाउ एवर स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेन्स इन इट्स इकानमी नीड टू बैरन आउट शी हेज़ बिगन रिफॉर्म्स जिनको कि थोड़ा टाइम लगेगा कम्प्लीट होने में फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि यहाँ पर जो शी जिनपिंग है वो क्यों रिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं तो बेसिकली जो पावर है उसको कंसोलीडेट करना चाहते हैं शी जिनपिंग डेंस अप्रोच ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग इकोनॉमिक्स फ्राम द कंट्रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन बेजिंग एलाउड इंडिविजुलअल फार्मस एंड इंडस्ट्रीज की वो डिसाइड कर सकते हैं वो कितना प्रोड्यूस करें कितनी क्वान्टिटीज़ में प्रोड्यूस करें एंड देन सेलेक्ट टू द मार्केट प्लेस शी इज री सेंट्रलाइजिंग बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग अब इन सबका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो इंडिया एक लार्ज पॉपुलेश नेशन है और जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है चाइना से तो चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया में ओपननेस है ट्रांसपेरेंसी है तो इंडिया इज एन ओपन ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक नेशन बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ और चाइना इसका एग्जैक्ट अपोजिट है द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ इंडिया एंड चाइना आर कंप्लीटली डिफरेंट इसी जो इंटरेस्ट हैं हर नेशन के इंटरेस्ट डिक्टेट होते हैं कि उनकी क्या बेसिक वैल्यूज़ है तो इंडिया की बेसिक वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम चाइना हेंस इंडियन इंटरेस्ट विल बी इन कन्फ्लिक्ट विद चाइनीज इंटरेस्ट एंड दिस इज ऑलरेडी प्लेइंग आउट तो हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लद्दाख में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है द हैंडलिंग ऑफ द कोविड नाइनटीन पैंडमिक एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड टू गिव राइट टू डिस कंटेंट इन चाइनाज लीडरशिप तो मैंने आपको बताया चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि हमें न्यूज़ में नहीं देखते हैं क्योंकि चाइना से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है बाकी यहाँ पर जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं इन्होंने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा सर्विलान्स बढ़ा दिया है लोगों का रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है अ क्वासी यू टर्न इन ब्रिटेन क्वेश्चन इज विल मार्केट्स हैव ट्रस्ट इन पी तो यहाँ पर यह बताया गया है नाइनटीन में जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा रिसेशन था बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था और उस समय की पी एम थैचर उन्होंने एक आइकॉनिक स्पीच दी थी और उन्होंने ये कहा था कि वो इकॉनॉमी को यहाँ पर लिबरलाइज करेंगी कुछ भी हो वो यहाँ पर बज नहीं होंगी और वो इकॉनॉमी को लिबरलाइज करेंगी अब जो ट्रस्ट हैं वो बेसिकली खुद को मॉडर्न डे थैचर की तरह प्रेजेंट करती हैं लेकिन जब इनका पाउंड क्रैश हुआ तो जो भी टैक्स कट्स देने की बात की गई थी इन्होंने उससे पीछे आ गई और इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर टैक्स कट्स नहीं देंगे तो इन शार्प कॉन्ट्रास्ट ट्रस्ट हु हुए स्ट्राइक टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ मॉडर्न दथ हेचर अनाउंसड एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ हर एजेंडा तो पहले एजेंडा कुछ और बताया फिर इससे बिल्कुल पीछे हट गई हैं तो यहाँ पर यही बताया गया है बाकी यहाँ पर कैसे ये सब हो गया द कंप्लीटली अनफंडेड एंड शार्प इंक्रीज इन स्पेंडिंग तो गवर्नमेंट यहाँ पर ज्यादा स्पेंड करने वाली थी और वो स्पेंडिंग की फंडिंग कैसे आने वाली थी वो कुछ पता नहीं था दैट्स बिकॉज द यूके वॉज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद हिस्टोरिक इन्फ्लेशन और अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी इसका मतलब यह है मार्केट में और ज़्यादा इफ्लेशन होगा वन इट लेफ्ट पीपल विद मोर मनी टू स्पेंड एट अ टाइम जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट और ज़्यादा स्पेंड करेगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगा इसके बाद गवर्नमेंट अगर बोरोइंग करेगी तब भी यहाँ पर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या हुआ इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था गवर्नमेंट में वो यहाँ पर ख़त्म होने लग गया और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो अपने यू के जो एसेट्स हैं उनको डम्प करना स्टार्ट कर दिया जो यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको डंप करना स्टार्ट कर दिया जब यहाँ पर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को डम्प करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ गए और ईल्स ऊपर चली गई सेल ऑफ़ गिल्स पुस्ट डाउन देयर प्राइज एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर जो व्हील्स हैं लगातार इंक्रीज होने लग गई तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रिटेन है उसकी इकॉनमी यहाँ पर क्रैश होने लग गई नेक्स्ट है आई आर डी आई प्रोपोजल्स कंडीशन फॉर प्राइवेट इक्विटी फंडस इन इश्योरेंस कंपनीज ये न्यूज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हम डिस्कस नहीं करेंगे और वैसे भी ये अभी ड्राफ्ट रूल्स हैं नेक्स्ट है ट्वेंटी परसेंट पेट्रोल ब्लेंडेड विद इथेनॉल मे बी अवेलेबल फ्रॉम डिसम्बर और जून तो जो ट्वेंटी परसेंट ब्लेंडेड इथेनॉल है वो बेसिकली अवेलेबल हो जाएगा फ्रॉम दिसंबर और जनवरी अहेड ऑफ द अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टारगेट अब यहाँ पर जो हमारा टारगेट है इंडिया इज एडवान्स द टारगेट डेट फॉर अचीविंग हमें ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल अचीव करना है तो पहले 2030 का टारगेट था इसको पाँच साल शिफ्ट कर दिया है और 2025 कर दिया गया है तो प्रीपोन कर दिया है इंडिया इज एडवान्स द टारगेट डेट फॉर अचीविंग 20 परसेंट इथेनॉल ब्लैंड इन पेट्रोल बाई फाइव वेस्ट टू ट्वेंटी तो यहाँ पर ब्राज़ील के एग्जाम्पल को साइट किया गया है ब्राज़ील में व्हीकल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और कंज्यूमर चूज कर सकते हैं इथेनॉल और पेट्रोल एज पर चॉइस तो यही गोल है इंडिया में भी हमें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करना है लार्ज स्केल पर अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने रीड किया तो फर्स्ट पेज पर हमने यू के प्रोविजन हमें हमें रीड करने थे जो कि हमने एक्सप्लेन पेज पर किए सेक्शन फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव टू और दो हज़ार आठ का अमेंडमेंट जो कि हमने डिस्कस किया नेक्स्ट यहाँ पर जो मॉनट्री पॉलिसी कमिटी है उसमें एक दो मेंबर्स का यह कहना है कि जो यहाँ पर रेपो रेट हाइक है उसके ऊपर पॉज लगा देना चाहिए रेपो रेट को हाइक को बहुत आराम से करना चाहिए नहीं तो ग्रोथ यहाँ पर सफर करेगा आई एन एस अरिहन सक्सेसफुली फायर एस एल बी एम तो एस एल बी एम के समरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल तो हम यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं न्यूक्लियर ट्राइड तो बेसिकली हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए कि हम यहां पर वेपन डिलीवरी कर सके फ्रॉम लैंड एयर एंड सी और हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो ये है कि हमें क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को अचीव करना है और हमारी नो फर्स्ट यूज का हमेशा कमिटमेंट है ही अब हम चलते हैं आगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है बाकी यहां पर सतलज जेमुना लिंक हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट यहाँ पर लेख डिस्कस की थी जिसका नाम है चंदापुरा जो कि बेंगलोर में है नेक्स्ट पीपल शुड फील रिस्पॉन्सिबल तो यहाँ पर हमने एक फंड को डिस्कस किया था आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड जो कि एक ट्राई सर्विस फंड है विच इज़ यूटीलाइज फॉर ग्रांट ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स सेल्जर्स सोल्जर्स सेलर्स एयरमैन हु ले डाउन देयर लाइफ्स और गेट ग्रीवियसली इंजर्ड इन एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन और इसमें कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है और इसके गुडविल एम्बेसडर हैं एक्टर अमिताभ बच्चन नेक्स्ट है यहाँ पर जी एस मार्क थ्री टू मे कमर्शियल फोर तो यहाँ पर एन की बात की गई थी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिसको कि 2019 में बनाया गया था और ये है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज और ये आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में फिर इंडिया के पास अभी तीन ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं पी एस एल वी एस एल वी जी एस एल वी मार्क थ्री अभी इसरो ने बनाया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसकी फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी गवर्नमेंट यहाँ पर यह चाहती है जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन वो स्पेस सेक्टर में इंक्रीज हो और यहाँ पर जो इसरो है वो साइंटिफिक मिशन के ऊपर फोकस कर पाए यहाँ पर ये न्यूज़ हमने डिस्कस नहीं की एक बार कर लेते हैं जजेस रोल इज़ नॉट टू प्लीज पीपल तो यहाँ पर जो जजेस हैं वो पॉपुलिस्ट जजमेंट्स देने से बचें ये कहा गया है बाई जस्टिस हेमंत गुप्ता तो जजेस का काम नहीं है लोगों को खुश करना अ जज कांट मेक पीपल हैप्पी दैट्स नॉट द रोल असाइन टू हिम दैट रोल इज असाइन टू अदर पीपल इन पब्लिक लाइफ वन कांट डिस्चार्ज दिस रोल विद इंटेंशन ऑफ प्लीजिंग पीपल फिर यहाँ पर हमने रेट्स डिस्कस किया जो कि एस का है फिर हमने सरोगेसी एक्ट 2021 जिसमें कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर रखा है और आल्टिस्टिक सरोगेसी को ही बसालाव किया गया है फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया अकाउंट फॉर आर टाइम्स तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था तो फॉर एग्जाम्पल बीस से चौबीस हफ्तों में सर्टिन कैटेगरी ऑफ वुमेन ही एबॉर्शन सीख कर सकती थी उसमें अनमेरिड वुमेन को एबार्शन कराना अलाउड नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया है सिंगल और अनमेरिड वुमेन वो भी यहाँ पर एबॉर्शन सीख कर सकती हैं बीस से चौबीस हफ्ते में बाकी यहाँ पर जो रेप की बात की गई है उसमें मेरिटल रेप को भी इंक्लूड कर दिया गया है तो मेरिटल रेप एज सच क्रिमिनलाइज नहीं हुआ है सिर्फ एम के लिए मेरिटल रेप को इंक्लूड किया गया है तो कैटेगरी दैट शूड अलाउस एक्सेस टू एबॉर्शन आर सर्वाइवर्स ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट दोज अंडर गोइंग अ चेंज इन स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप दोज हुआ फिजिकली चैलेंज तो बेसिकली सर्टेन कैटेगरी ऑफ वुमेन ही यहाँ पर बीस से चौबीस हफ्तों में अबॉशन को सीख कर सकती थी तो यहाँ पर कोच का बेसिकली यही कहना है फॉर टू इर रैशनली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैरिड एंड अन मैरिड वेमन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एक्सेस टू एबॉर्न तो ये वॉलेट करता है राइट टू इक्वालिटी टू रिपोडक्टिव ऑटानोम प्रवेसी एंड डिग्निटी ऑफ द अनमेरिड वेन फिर यहाँ पर यह बताया गया जो गवर्मेंट है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है डिजिटल एस्पेक्ट ऑफ द इकॉनॉमी को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल लेकर आएगा ई कॉमर्स रूल्स यहाँ पर लेकर आएगा आई टी रूल्स यहाँ पर लेकर आएगा तो यहाँ पर जो बिग टैक है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है जो यहाँ पर गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए अगर गवर्नमेंट यहाँ पर वाइब्रेंट इको सिस्टम क्रिएट करना चाहती है नेक्स्ट ट्रस्ट सेक्स क्वार्टेंट तो ये हम दो बार डिस्कस कर चुके हैं फिर से नहीं डिस्कस करेंगे बाकी नाइजीरिया की हमने यहाँ पर दो सिटीज़ डिस्कस की एक है इकबो ओरा और सेकेंड है लेगोस नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन फोर्टी फाइव वन ऑफ द यू ए पी ए जो कि ये कहता है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती ऑफेंस का तब तक जब तक यहाँ पर सेंक्शन नहीं आता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का

तो यहाँ पर होने वाली है ट्वेंटी नेशनल कांग्रेस सी की और यहाँ पर कैसे पॉलिसीज डिफरेंट है शी जिनपिंग की डेंग जियोपिंग से फॉर एग्जांपल डेंग जीविंग यहाँ पर डी किया था जो यहाँ पर शी जिनपिंग है वो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं ये इकानी को मूव करना चाहते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मैनुफेक्चरिंगट टू इनोवेशन लेट और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करे चाइना इसके अलावा मिलिट्री को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं मॉडर्न बनाना चाहते हैं इंडिया के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट है तो बेसिकली जो इंडिया है वो पूरी तरीके से अपोजिट है चाइना का फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में डेमोक्रेसी है चाइना यहाँ पर अथॉरिटेटिव है फिर हम आगे चलते हैं ये हम डिस्कस नहीं करेंगे फिर नेक्स्ट है ट्वेंटी परसेंट पेट्रोल ब्लेंडेड विद इथेनॉल मे बी अवेलेबल फ्रॉम डिसंबर और जनवरी और हमारा टारगेट है कि हमें 2025 तक अचीव करना है पहले 2030 का टारगेट था अब इसको 2025 का कर दिया तो इंडिया हेज एडवांस द टारगेट डेट फॉर अचीविंग ट्वेंटी परसेंट इथेनॉलॉलॉलॉ ब्लैंड इन पेट्रोल बाई फाइव एयर्ट्स टू ट्वेंटी तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे